So very good morning, Peter. So Peter, as you know, we are doing chapter number 4 of your science, structure of the atom. And in the last two videos, we discussed about the historical approach, about study of atom, and discovery of subatomic particle electron through the discovery of cathode rays, discharge tube experiments. Okay. Today we will discuss about the second subatomic particle, proton, which was studied by Goldstein, or you can say discovered by Goldstein in 1886 by seeing discharge tube experiments, as electrons were discovered by J.J. Thomson through the discharge tube experiments. Now, he made some modifications in the discharge tube. Simply, he changed the cathode with perforated cathode. Perforated, beta, perforated means to say that is including the plate having holes. एक ऐसी प्लेट जिसमें छेद होते हैं, उसको बोलते हैं परफोरेटर. मतलब एनोड एज इलेक्ट्रोड, मेटल रोड की तरह, ठीक है, मेटल प्लेट की, बट कैथोड को उन्होंने एज अ परफोरेटेड कैथोड लिया. मतलब सिंपल प्लेट भी ली, बट कौन सी ली, हैविंग होल्स इन इट. सेम एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा एज इन केस ऑफ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के केस में, स्टडी ऑफ कैथोड रेज के केस में जैसे किया गया था. जैसे ही उन्होंने सेम 10,000 वोल्ट के आसपास पोटेंशियल अप्लाई किया, तो उस केस में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेडिएशन टुवर्ड्स द एनोड प्रोड्यूस हो रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, वो तो हो गई आपकी कैथोड रेज, क्लियर. लेकिन थ्रू परफोरेटेड कैथोड another type of radiation were also produced during the experimentations. जब इन radiations को study किया गया, तो ये पाया गया कि इनकी जो movement थी, that is away from the anodic terminal. Okay, anode से away जा रही थी दूसरी तरफ. Means to say anode आपका positive terminal होता है. It means to say these radiations consist of positive charge, because same charge is repelled each other. तो यहाँ पे कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी विच मूव्स टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल, जिनको हमने कैथोड रेज बोला था, जे.जे. थॉमसन एक्सपेरिमेंट में जिन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन. इस केस में गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट जब किया, वहां पे उन्होंने कैथोड की जगह पे परफोरेटेड कैथोड लगा दिया. ठीक, जैसे ही कैथोड रेज जो थी वो स्ट्राइक कर रही थी गैसेस पार्टिकल्स इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, दे आयोनाइज द गैसेस पार्टिकल्स. ठीक है, कैथोड रेडिएशंस क्या कर रही थी, गैसियस पार्टिकल्स को आयोनाइज कर रही थी. आयोनाइजेशन के दौरान क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज के अलोंग विद दैट इज नेगेटिव चार्ज तो प्रोड्यूस हो रहा है, साइड बाय साइड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रोड्यूस हो रहे थे, जिनकी मूवमेंट जो है दैट टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द एनोड. दैट इज एक्चुअली देखा जाए तो एनोड से कैथोड की तरफ उनकी जो है वो मूवमेंट टेक्स प्लेस हो रही थी इस तरफ. ये आपका एनोड है, ये आप देख सकते हो ये वाली रेडिएशन क्यों है, ये अवे फ्रॉम एनोड जा रही है, मतलब एनोड की तरफ नहीं आ रही है, एनोड से दूसरी तरफ जा रही है. ठीक है, मींस टुवर्ड्स द, आप कह सकते हो टुवर्ड्स द कैथोड टर्मिनल. जब इनको स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये जो होती है दीज रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया गया इनको प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, ये स्टडी की थी आपकी गोल्डस्टीन ने 1886 में. इनको एनोड रेज इसलिए बोला गया बिकॉज दे मूव्स टुवर्ड्स द एनोडिक टर्मिनल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पे जब इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, देन देयर प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो यू कैन से वेरी मच सिमिलर टू दोज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज. कैथोड रेज के केस में क्या था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, दे गेट्स
attack, you can say they gets attracted towards the positive terminal of the external field. जब इनके ऊपर field apply की जाएगी तो ये towards the negative terminal of the external electric field की तरफ bend हो रही थी. तो यहाँ से पता चला कि ये जो होती हैं they consist of positively charged particles. Similarly, mechanical effect produced हो रहे थे same as those of case of cathode rays के केस में जैसे हमने किया था. इनके रास्ते में rotating pedal wheel रख दिया गया जैसे उनके ऊपर strike की वहाँ से वही जो पैडल व्हील था वो क्या हो गया स्टार्ट होना हो गया रोटेट होना शुरू हो गया. इसी तरह से मटेरियल पार्टिकल्स शैडो प्रोड्यूस हो रही थी वहां पे ठीक है. इनकी प्लैनेट्स भी उसी तरह से चेक की गई थी फ्लोरोसेंट मटेरियल जैसे जिंक फाइव का मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट किया गया था एट द वन एंड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब जैसे ही स्ट्राइक की यहाँ से ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था जिसकी वजह से पता चल रहा था कि सर्टन टाइप ऑफ रेडिएशन आल्सो मूव टुवर्ड्स द एनोडिक टर्मिनल. ओके दैट इज अवे फ्रॉम द एनोडिक टर्मिनल. सो दिस इज हाउ प्रोटोन गेट्स डिस्कवर्ड. ये वही एक्सपेरिमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे गोल्डस्टीन ने जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी. कैथोड को परफोरेटेड कैथोड में कन्वर्ट कर दिया गया बीच में से जालीदार जिसको हम बोलते हैं हैविंग होल्स प्लेट मेटल प्लेट हैविंग होल्स इन इट. इनको कैनाल भी इसलिए बोला गया क्योंकि जो इनकी जब ये प्रोड्यूस हो रही थी थ्रू द होल्स जस्ट लाइक कैनल्स फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही थी जैसे कैनल होती है ना कैनल होती है उसी तरह से ये प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ से इसलिए इनको कैनल रेज भी बोला गया. अब एक चीज आपने ध्यान देनी है कि ओरिजिन ऑफ जो एनोड रेज है जैसे कैथोड रेज का जो ओरिजिन था दैट इज द कैथोडिक टर्मिनल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इसलिए उनको कैथोड रेज बोल दिया गया. लेकिन एनोड रेज का ओरिजिन इज नॉट दैट ऑफ द एनोड टर्मिनल. एनोड रेज एनोड टर्मिनल से नहीं प्रोड्यूस हो रही थी. एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द कैथोड रेज विद द गैसियस पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब. एनोड रेज जो थी वे तब प्रोड्यूस हो रही थी जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेडिएशन जो थी वो गैसियस पार्टिकल के साथ स्ट्राइक कर रही थी. वहां पे गैसियस पार्टिकल आयोनाइज हो रहे थे वहां से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक तरफ मूव कर रहे थे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दूसरी तरफ मूव कर रहे थे. तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे उनको बोला गया एनोड रेज और बाद में जब इनकी स्टडी की गई तो उनको एक नाम दिया गया प्रोटॉन्स बिकॉज दीज रेडिएशन consist of positively charged particles जिनको बोला गया protons. In this manner, Goldstein discovered the second subatomic particle जो था आपका proton. Rest of the properties सिर्फ दो properties थी बेटा जो different थी. एक तो charge on these radiations is positive. And second, nature of these radiation जो थी that is mass of these radiation जो था वो डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज. जो कैथोड रेज थी दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज. बट एनोड रेज की जो करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी वो डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब. अगर अलग डिफरेंट गैस ले रहे थे तो प्रॉपर्टीज वहां पर चेंज हो रही. ये मेन दो जो डिफरेंट पॉइंट्स थे ये अलग थे देन दोज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे. रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स सेम थे मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस मूवमेंट होती है ठीक है. दे मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है ये मूव कर रही थी. ओके दैट इज कैथोडिक टर्मिनल की तरफ ये मूव कर दैट इज इनकी जो डायरेक्शन थी वो थी एनोड टू कैथोड टुवर्ड्स कैथोड मूवमेंट हो रही थी ठीक है जी कैथोड की तरफ यू कैन सी. तो इस तरह से ये आपकी एनोड रेज दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन हुआ था बाय गोल्डस्टीन ठीक है जी. प्रॉपर्टीज आपने वही मूव इन स्ट्रेट लाइन मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज ये याद रखना है दे कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह से जो मास चार्ज टू मास रेशियो थी जैसे हमने कैथोड रेज के केस में डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन केस में यहाँ पे भी चार्ज टू मास रेशियो थी लेकिन ये चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर नेचर ऑफ गैस के ऊपर. ये आपने याद रखना है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन साइड द डिस्चार्ज ट्यूब. जो आपकी कैथोड रेज थी उन केसेस में जो चार्ज बाय मास रेशियो थी दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस व्हाटएवर मे बी द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब
the charge by mass ratio always remains constant. But in case of anode, it changes with the change in the gas present in the discharge. ये आपने याद रखना है बेटा. तो इस तरह से जो चार्ज था इनके ऊपर एनोड रेस के ऊपर ऑन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द एनोड रेस इज आल्सो फाउंड टू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द वोल्टेज अप्लाइड. यानी ये दो तीन फैक्टर थे जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, द प्रेजेंस ऑफ गैस, प्रेजेंस ऑफ द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब. इस तरह से ये आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो टेक्स प्लेस हुई थी. यानी प्रोटॉन के केस में आप क्या बोलोगे फिर, इंतजार सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, विच कैरीज वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैज मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये मेन डिफरेंस है बेटा. इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या था, वन यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैज मास वन ओवर वन एट फोर्टीथ टू दैट ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे क्या है, इट कैरीज वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बट मास इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड सब एटोमिक पार्टिकल, जिसको क्या बोला गया, प्रोटोन. ठीक है जी. इस केस में हाइड्रोजन गैस के लिए जो चार्ज बाय मास रेशियो थी हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन गैस के लिए, याद रखना है डिफरेंट गैसेस के लिए चार्ज बाय मास रेशियो फॉर प्रोटॉन क्या रही थी, डिफरेंट प्रोड्यूस हो रही थी. इन्होंने हमारे पास क्या थी, हाइड्रोजन गैस को जब लेकर किया गया तो वहां पे जो हाइड्रोजन के विद चार्ज बाय मास प्रोड्यूस हुई एनोड रेस के लिए, दैट इज प्रोटॉन्स की जो चार्ज बाय मास रेशियो फॉर हाइड्रोजन, दैट वाज चार्ज तो एन इज सिमिलरली जो मास आया मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, याद रखना इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस इट वाज 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. This was about simple, you can say basic measurements of charge, charge by mass and mass of proton. तो इस तरह से आपने बेटा इसको अच्छी तरह से एक बार स्टडी कर लेना है ढंग से. ठीक है जी. इसके बाद फिर आए थे आपके मॉडल्स. ये पहले दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जिनको सबसे पहले स्टडी किया गया था और इसी के बेस के ऊपर जे जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम दिया गया था और उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है वो प्रोवाइड किया गया था. ठीक है. तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, जो स्टडी करेंगे, वो होगा जे जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम एंड सेकेंड वन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बाद फिर आगे बोहर्स मॉडल आता है, लेकिन उससे पहले एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जब थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है न्यूट्रॉन, ये की थी बाय चैडविक. चैडविक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी. ठीक है जी. हैविंग न्यूट्रल स्पीशीज जो होता है, न्यूट्रल थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल जो न्यूट्रॉन रहता है, उसकी स्टडी हुई थी बाय द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी होता है, एक द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है. थ्रू अ पर्टिकुलर बाय अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, उसको बोला गया रेडियो एक्टिविटी. तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के बाद थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई. ठीक है जी. और उसको बोला गया था न्यूट्रॉन. ये किसने की थी, चैडविक, CHADWICK, चैडविक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की. तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पहले हम करेंगे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. ठीक है. उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा आपको बताऊंगा
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में. तो टिल देन आपने इनको एक बार दोबारा से अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है. स्टडी ऑफ कैथोड रेज, स्टडी ऑफ एनोड रेज, ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज, चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा एंड डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो इस तरह से ये आपका एक पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया. आपने इसको एक बार दोबारा से रीस्टडी जरूर कर लेना है थॉरली. अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है देन वी यू कैन आस्क. ओके बेटा, सो टिल देन टेक केयर, वर्क हार्ड एज वेल एज डू रेगुलर इन योर स्टडीज. ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर.